हेलो गाइस, वेलकम बैक अनदर वीडियो। आपका स्वागत है फिर से एक नए फ्रेश वीडियो के साथ। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं इस प्रकार का फ़ोटो एडिटिंग। लाइटरूम एप्लीकेशन में मैंने फ़ोटो को एडिट किया है, तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाले नई वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। सबसे पहले मैं फ़ोटो को लेकर चले जाऊंगा स्नैपशीट एप्लीकेशन में। स्नैपशीट एप्लीकेशन में ले जाने के बाद यहां से मैं चले जाऊंगा पहले टून इमेज में, और यहां से मैं ब्राइटनेस वगैरह सब एडजस्ट कर लूँगा इस प्रकार से, और इसकी अम्बाइंस को मैं एकदम फुल कर दूंगा इस प्रकार से। इसके बाद क्या करूँगा कि मैं थोड़ा सा इसकी सिचुएशन को माइनस कर दूँगा। फेस पर बहुत ज़्यादा रेड कलर आ गया है, इस प्रकार से कर लूँगा। और फिर मैं इसका शेडोज हल्का सा बढ़ा दूंगा इस प्रकार से, और हाईलाइट को हल्का माइनस कर दूंगा। इसके बाद मैं कंट्रास्ट को हल्का सा इस प्रकार से बढ़ा दूंगा। इसके बाद मैं फिर से यहाँ से डिटेल वाले ऑप्शन में चले जाऊंगा, और यहाँ से मैं स्ट्रक्चर को बढ़ा लूंगा, और यहाँ से मैं डन कर दूंगा। तो ये देख सकते हो आप बिफोर एंड आफ्टर। इसके बाद मैं क्या करूँगा कि सिलेक्टिव टूल ले लूँगा, और इसका जो ब्लैक पार्ट है इस पर इस प्रकार से मैं ब्राइटनेस बढ़ा लूँ। आपको भी कर लेना है। इसके बाद क्या करूँगा कि मैं चले जाऊँगा सीधे लाइटरूम एप्लीकेशन में, फ़ोटो को शेयर कर लूँगा। फ़ोटो को लाइटरूम एप्लीकेशन में ओपन करने के बाद सबसे पहले मैं लाइट एडजस्ट कर लूँगा, इसमें भी जाकर कंट्रास्ट हल्का सा बढ़ा दूंगा, हाईलाइट को इस तरीके से माइनस कर लूँगा, शेडोज इस तरह से थोड़ा सा। इसके बाद मैं क्या करूँगा कि कलर वाले ऑप्शन में चले जाऊँगा, और यहाँ से मिक्स टूल में चले जाऊँगा, और यहाँ से मैं ऑरेंज कलर चूज़ कर लूँगा, और इसकी लुमिनियंस बढ़ा दूँगा फेस पर। वाइट थोड़ा सा ला लेंगे, फेस को गोरा कर लेंगे इस प्रकार से। और इसके बाद मैं येलो वाले की भी सिचुएशन को फुल कर दूंगा इस प्रकार से, फुल कर दूंगा एकदम। और ग्रीन वाले की भी सिचुएशन को फुल कर दूंगा, और ह्यू को हल्का सा माइनस कर लूँगा इतना। और ब्लू वाला कलर लेके मैं हल्का सा सिचुएशन इसकी भी बढ़ा दूंगा। इसके बाद क्या करना है कि हल्का सा इसके टेम को माइनस कर लूँगा, और टिंट को बढ़ा के वाइब्रेंस बढ़ा दूंगा। इसके बाद इफेक्ट में चले जाऊंगा मैं, और इसका टेक्सचर और क्लियरिटी हल्का हल्का बढ़ा देंगे हम, ज़्यादा नहीं बढ़ाना इस तरीके से। इसके बाद डिटेल में जाके हल्का से शार्पनेस बढ़ा लूँगा, और ये दोनों ऑप्शन को ऑन कर दूँगा। तो ये देख सकते हो आप बिफोर एंड आफ्टर। इसके बाद क्या करूँगा मैं यहाँ से शेयर कर लूँगा इसको ऑटोडेस्क स्केच बुक में। ऑटोडेस्क स्केच बुक में फ़ोटो को ओपन करने के बाद मैं यहाँ से सबसे पहले लेयर को डुप्लीकेट कर लूँगा, और यहाँ से ब्रश वाले ऑप्शन में चले जाऊँगा, और यहाँ से मैं स्मज ब्रश ले लूँगा, और इसकी सेटिंग आपको फ्लो को 6 रखना है। जो सेटिंग बता रहा हूँ आप वो ध्यान से देखना, बाद में गड़बड़ ना हो। फिर इसको मैं 5 कर लूँगा, और मॉडल के फेस पर चला लूँगा मैं इस प्रकार से। आपको साइज़ अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, और इस प्रकार से चला लेना। मैं वीडियो की थोड़ी स्पीड बढ़ा लेता हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम ख़राब ना हो। अगर आपको फुल डिटेल में वीडियो चाहिए फेस स्मूथ पर तो नीचे कमेंट करके बता देना, मैं इस पर भी आपको वीडियो बना दूँगा। इस प्रकार से आपको चला लेना है, मैं स्पीड बढ़ा देता हूँ। सो फ्रेंड्स, फेस स्मूथ हो जाने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से चले जाना है लेयर वाले ऑप्शन में, और यहाँ से एक एम्प्टी लेयर लेके इसका ब्लेंडिंग मोड आपको सॉफ्ट लाइट कर देना है,
और यहाँ से कलर में जाके वाइट कलर सेलेक्ट कर लेना है आपको। और यहाँ से मीडियम ब्रश ले लेंगे, ये वाला देख सकते हो आप। इसके बाद मैं फेस को चला लूँगा इस प्रकार से, आपको भी कर लेना है। मैं फटाफट से कर लेता हूँ। सो फ्रेंड्स, मॉडल का फेस पे कलर हो जाने के बाद आपको क्या करना है कि फिर से लेयर वाले ऑप्शन में चले जाने और इसकी ओपेसिटी आपको अपने मॉडल के फेस के हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। इस प्रकार से मैं रख लूँगा, इतनी रख लूँगा मैं 33। इसके बाद मैं फिर से एक और एम्प्टी लेयर ले लूँगा और इसका भी ब्लेंडिंग मोड में सॉफ्ट लाइट कर दूँगा। और यहाँ से मैं कलर वाले पैनल में जाके पिंक कलर ले लूँगा इस प्रकार से, और फिर मैं मॉडल के लिप पर चला लूँगा, ओपेसिटी फुल कर दूंगा मैं इसकी। इस प्रकार से आपको भी कर लेना है, अच्छी तरीके से कर लेना है एकदम। इसके लिप पर कलर हो जाने के बाद आपको क्या करना है कि फिर से इसकी ओपेसिटी कम कर देना है। लिप की ओपेसिटी कम करने के बाद आपको क्या करना है कि फिर से सॉफ्ट इसमें आ जाना है स्किन कलर में, और इसकी ओपेसिटी आपको कर लेना है 55 के करीब रख लेना है आपको इस प्रकार से। मैं 56 रख लेता हूँ। और फिर हम फोटो को गैलरी में सेव कर लेंगे, फ़ोटो को गैलरी में सेव कर लेंगे हम। और इसके बाद फ़ोटो को हम लाइटरूम एप्लीकेशन में ओपन कर लेंगे। लाइटरूम एप्लीकेशन में फ़ोटो को ओपन करने के बाद आपको ये प्रीसेट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा मेरे, आपको वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। इसको कॉपी करने के बाद आपको यहाँ से इस पर पेस्ट कर देना है। तो ये देख सकते हो आप, बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। तो ये देख सकते हैं हमारा मॉडल तैयार हो गया है। तो मिलते हैं नई वीडियो में फिर से एक बार, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉच।